Namaskar, this is Priyadarshan, and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training Bihar Patna. So, dear children, we are going to continue the previous lesson I have a dream by Martin Luther King Jr. So, in the previous classes, we have uh, studied that how Martin Luther King began his speech. हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा कि मार्टिन लूथर किंग अपने स्पीच को कैसे शुरू करते हैं वह किस तरह से 100 साल पहले की बात करते हैं और फिर 100 साल बाद की स्थिति को दर्शकों को बताते हैं सो मार्टिन द स्पीच इन फैक्ट इज़ फुल विथ रेटोरिक्स फुल विथ क्वेश्चन फुल विथ रेपटेशंस एंड देर फोर इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ़ द फाइनेस्ट स्पीच इन द एना ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री और जिस तरह से उन्होंने अलंकार बार बार सवाल पूछना रिपटीशन, इन चीज़ों का प्रयोग किया है अपने स्पीच में और इसलिए यह स्पीच अमेरिकन इतिहास में या अमेरिका के इतिहास में एक बेहतरीन स्पीच के रूप में माना जाता है एंड दिस स्पीच इज़ डिवेटेड इज़ टॉक्ट अपॉन इन द इंटायर वर्ल्ड और इस स्पीच की चर्चा बा, इसकी बात इसके ऊपर व्याख्यान पूरी दुनिया में होती है सो so, the dream which martin luther king had no? so as you can understand children that know the dream which you see at night while you are sleeping and the dream which you see while you are conscious so there is a huge difference between those two dreams and the dream of martin luther king is based on righteousness is based on, on the demand of justice is based on the demand of equality for the black people who are languishing in the usa. the black people who are living, you no, know, though they are living in the usa, in america, they are living, but still their life is totally different from the life of the white people. so there are two countries within one country. so martin luther king is trying to bridge that gap by asking for equality. By asking for justice, by asking for righteousness. So let us see what he has for us in the next part of this speech. I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations. वो कहते हैं कि उनको इस बात का हिसाब है, वो unmindful नहीं हैं, उनको मालूम है ये बात, इस बात से वो अनभिज्ञ नहीं हैं कि जो भी लोग वहाँ आएं दे हैव कम येयर आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रेवल्स बहुत सारी यातनाओं के शिकार होकर वो यहाँ पहुँचे हैं सम ऑफ़ यू हैव कम फ्रेश फ्रॉम सेल्स कुछ लोग तो जेल से छूट कर आए हैं नैरो सेल्स से छूट कर ऑफ़ यू हैव कम फ्रॉम एरियाज वेर योर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम लेफ्ट बाई द स्टॉम्स ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड स्टेजर्ड बाई द विंग्स ऑफ पुलिस ब्रोटैलिटी बहुत सारी यातनाओं का सामना करते हुए बहुत सारे लोगों के साथ पुलिस ब्रुटैलिटीज भी हुई है बहुत सारे लोगों के साथ पुलिस ने बर्बरता भी की है उनके साथ मारपीट की होंगी उनको यातनाएं दी गई होंगी यू हैव बिन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग और उन तमाम लोगों को जो तरह तरह की यातनाओं के शिकार हुए और उसके बावजूद उस मैदान उस जगह पहुँचे हैं उनकी भाषण को सुनने के लिए तो उनको मार्टिन लुथर किंग कहते हैं कि यू हैव बिन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग रचनात्मक सफरिंग्स का यातनाओं के आप वेटरन हैं कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ दैट अनअर्न्ड सफ़रिंग इज रिडेम कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ इस यकीन के साथ काम करते रहें दैट दैट अनअर्नड सफरिंग इज रिडम्पटिव सफरिंग जो है उससे मुक्ति पाई जा सकती है उससे मुक्ति मिल सकती है यातनाओं से आज़ादी मिल सकती है सो दिस इज वाट ही सेज लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट गो बैक टू मिसिसिपी वो कहते हैं कि मिसिसिपी वापस जाएँ गो बैक टू अल्बामा अल्बामा वापस जाएँ गो बैक टू जॉर्जिया जॉर्जिया वापस जाएँ सो चल रेड आई एम टेलिंग यू अगेन अगेन सी द रिपिटिशन सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ अ ब्रिलियंट स्पीच टू रिपीट द सेम फ्रेज अगेन एंड अगैन सो गो बैक टू मिसिसिपी, आप मिसिसिपी जाएं, गो बैक टू अलबामा, अलबामा जाएं, गो बैक टू जॉर्जिया जॉर्जिया जाएं, गो बैक टू लुशियाना लुशियाना जाएं, गो बैक टू द सलम्स एंड घेटोज ऑफ नॉर्दर्न सिटीज हमारे नॉर्दर्न सिटीज़ के जो उत्तरी शहर हैं उसके सलम्स में जाएँ झुकी झोपड़ियों में जाएँ नोइंग दैट समहा दिस सिचुएशन कैन एंड विल बी चेंज और इस बात को समझते हुए जाए कि परिस्थितियाँ बदली जा सकती है बदलेगी अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर उदासी या निराशा या निराशे की वैली में घाटी में सिर्फ बिलाफ ही ना करें to आई से टू यू टूडे माई फ्रेंड्स दैट स्पाइट ऑफ द डिफिकल्टीज एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ द मोमेंट मैं आपसे ये कहता हूँ वो अपनी श्रोताओं को बोल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त दैट इन स्पाइट ऑफ द डिफिकल्टीज एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ द मूमेंट इस छंद जो भी हताशा है जो भी कठिनाई है जो भी निराशा है आई स्टिल हैव ए ड्रीम मेरा एक सपना है इन तमाम हताशाओं निराशाओं झंझावातों <coughs> के बावजूद हमारा एक सपना है मेरा एक सपना है इट इज अ ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम और यह ड्रीम इस ड्रीम इस सपने की जर अमेरिकन सपने की जड़ के साथ जुड़ा हुआ है आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप मेरा एक सपना है कि एक दिन यह राष्ट्र उठेगा तरक्की करेगा विल राइज अप एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड और अपने नस्ल का सबूत देगा प्रमाण देगा वी होल्ड दिस ट्रस्ट टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल और हमें इस बात में पूरा यकीन है कि जितने भी इंसान हैं वो सबके सब समान है सो डियर छ मार्टिन लुथर किंग नाओ ही इज टॉकिंग और हीज स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हीज ड्रीम दो द इंटायर स्पीच इज बेस्ट अपॉन हीज ड्रीम बट नाव ही इज टॉकिंग अबाउट द ड्रीम हुच ही हैज़ इन हीज माइंड ही सेज दैट अ टाइम विल कम अ डे विल कम अ मोमेंट विल कम वेन द पीपल वेदर दे आर लिविंग इन जॉर्जिया अल्बेमा मिसिसिपी और इन द डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द यू एस एल गेट फ्रीडम दे ऑल विल गेट इक्वेलिटी दे ऑल विल गेट जस्टिस दाइम इज़ बाउंड टू कम वो वक्त आएगा ज़रूर आएगा जब चाहे वो जॉर्जिया के लोग हों मसीपी के लोग हैं लुसियाना के लोग हों या अमेरिका के किसी भी राज्य के लोग हों उन काले लोगों को भी अपना हक मिलेगा उनको आज़ादी मिलेगी उनको समानता मिलेगा आई हैव ए ड्रीम दट वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया मेरा ये सपना है कि एक दिन इस लाल पहाड़ी जॉर्जिया की लाल पहाड़ियों पर दंस ऑफ फार्मर स्लेब्स दंस ऑफ फार्मर स्लेब्स जो पुराने गुलाम हुआ करते थे स्लेवरी यू एस ए में शुरुआती दौर में उस टाइम एक जमाने में हुआ करता था जिसे आप गुलामी कहते हैं तो जो उनके बच्चे हैं सन्स ऑफ फार्मर स्लेब्स एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेब ऑनर्स और जो स्लेव ऑनर्स थे जो ग़ुलाम बनाते थे दोनों के बच्चे गुलाम के बच्चे और गुलाम बनाने वालों के बच्चे विल बी एवल टू सिट डाउन टुगेदर दोनों साथ, साथ बैठेंगे एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड किस टेबल पर भाईचारे के टेबल पर साथ साथ बैठेंगे जरा सोचें कितना बेहतर ड्रीम है कितनी अच्छी बातें हैं आई हैवे ड्रीम दैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, अ डजर्ट स्टेट जो एक मरुभूमि राज्य है मरुस्थल के जैसा राज्य है स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इन जस्टिस इन ऑपरेशन जहाँ यूं समझें अन्याय और अत्याचार की ज्वाला धधक रही हो विल बी ट्रांसफॉर्म्ड उसे तब्दील कर दिया जाएगा इंटू एन ओसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस एक टापू एक के तौर पर एक हरे भरे उस जगह के तौर पर जहाँ आज़ादी हो जहाँ न्याय हो जिसको आप मरु उद्यान कहते हैं तो ओएसिस इज उसको मरु उद्यान कहें कि जिसके आसपास का इलाका हरा भरा हरा भरा होता है और पानी वगैरह होता है तो वहाँ हरियाली होती है यहाँ वो कह रहे हैं कि आई हैव हेव ड्रीम दैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी अ डेजर्ट स्टेट जो मरुस्थल है शेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस ऑन एंड ऑपरेशन अत्याचार और अन्याय की जहाँ ज्वाला धधक रही है वह भी एक मुरुद्यान के रूप में तब्दील हो जाएगा परिवर्तित हो जाएगा जहाँ आज़ादी और न्याय दोनों होंगे आई हैव अ ड्रीम दैट माई फोर चिल्ड्रन विल वन डे लिव इन अ नेशन अब यहाँ बच्चों इस बात को समझना है कि मार्टिन लूथर किंग कह रहे हैं कि माई फोर चिल्ड्रन मतलब उनके चार बच्चे हैं कि आई हैव अ ड्रीम दैट माई फोर चिल्ड्रेन वन डे लिव इन अ नेशन वेर दे विल नॉट बी जज्ड बाई द कलर ऑफ देर स्किन बट बाई द कंटेंट ऑफ देर कैरेक्टर और यहाँ इस बात की पर जोर दे रहे हैं जो मूल बात है <coughs> और मूल बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि उनके बच्चे या और या और जो भी लोग होंगे जो बच्चे होंगे तो उनको या उनके रंग के आधार पर उनको जज नहीं किया जाएगा क्योंकि जो निगरोज होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं तो उनके रंग के आधार पर उनको जज नहीं किया जाएगा लेकिन कंटेंट्स ऑफ द करेक्टर उनके चरित्र के आधार पर उनके गुण अवगुण को जज किया जाएगा सो दिस इज रियली अ वेरी ब्यूटिफुल सेंटेंस और इसको अगर आप हिंदी में कहें तो कबीर एक लाइन कहता है कि जाति न पूछिए साधु की पूछ लीजिए ज्ञान मोल करो तलवार का परा रहने दो म्यान सो दिस इज़ हाउ द सेम थिंग ये मार्टिन लुथर किंग इज टेलिंग टू द ऑडियंस देर दैट अ टाइम अ डे विल टाइम विल कम वन द ब्लैक पीपल विल नॉट बी जज्ड विद द कलर ऑफ दर स्क्रिन बट दिल बी जज्ड With the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day the state of Alabama, whose governor's lips are gently dripping with the words of interposition and nullification, will be transformed into a situation where little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls and walk together as sisters and brothers. So, Pyare Ek Sapna वो चाहते हैं कि वहाँ के लोग अमेरिका में एक वक्त आएगा इनके इनका सपना साकार होगा और ये साकार तब होगा जब छोटे छोटे ब्लैक बॉयज जो निग्रो लोग हैं जो बच्चे हैं और जो ब्लैक बॉयज ब्लैक गर्ल्स व्हाइट बॉयज़ व्हाइट गर्ल्स के साथ बाँह में बाँ या हाथों में हाथ डालकर जब चलेंगे जस्ट लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भाई बहन की तरह काले गोरे जब एक साथ मिलकर चलेंगे दोनों के बच्चे तो ये कहते हैं कि ये उनका सपना है आई अ ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल बी एग्जॉल्टेड मेरा ये मेरा ये भी एक सपना है कि सभी वैली में सभी घाटियों में लोग खुशी से झूम उठेंगे एवरी हिल एंड माउंटेन सेल बी मेड लो जो भी ऊंचाइयां हैं जो भी पहाड़ हैं सबको नीचे बराबर किया जाएगा कहने का ये मतलब है कि द डिफरेंस विच इज़ फाउंड इन द अमेरिकन सोसाइटी द काइंड ऑफ सेग्रीगेशन इज देयर बिटवीन द ब्लैक एंड द वाइट काले गोरों के बीच में जो भेद है जो खाई है उस खाई को पाट दिया जाएगा द रफ पैसेज विल बी मेड प्लान और जो भी रफ है जो स्मूथ नहीं है उसे समतल बनाया जाएगा एंड द करेक्ट प्लेसेस टेढ़े मेढ़े जो रास्ते हैं जो जगहें है, विली मेजिस्ट्रेट उन्हें सीधा किया जाएगा एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड सेल्फ रिवील्ड और ईश्वर और लॉर्ड की जो ग्लोरी है उनके जो वैभव हैं उनके जो शब्द हैं उन्हें खोला जाएगा उस राज को खोला जाएगा बताया जाएगा कहा जाएगा एंड ऑल फ्लेस सेल्सिट टुगेदर और सारे लोग चाहे वह गोरे हैं या काले हैं सब उसे सुनेंगे सब उसे देखेंगे सो डी एच एल हियर मार्टिन लुथर किंग इज टॉकिंग About humanity, you know. On the basis of humanity, he is saying that I have a dream where all the black and whites, their children, they will go together, they will study together, they will live together, and they will enjoy life together. So, this is how he is articulating in this part of his speech. Let us see the next part. दिस इज अवर होप दिस इज द फैथ विथ विच आर रिटर्न टू द साउथ यही हमारी उम्मीद है और इसी यकीन के साथ इसी विश्वास के साथ हम दक्षिण की तरफ कूच करते हैं विथ दिस फैथ विल बी एबल टू ही माउंटेन्स आउट ऑफ द माउंटे ऑफ द स्पेयर ए स्टोन ऑफ होप और यही हमारा यकीन है जिससे हम इन पहाड़ों से या इस निराशा भरी पहाड़ों से उम्मीद के पत्थर उगाएंगे उम्मीद के पत्थर निकालेंगे विद दिस फैथ विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जगलिंग ऑफ ऑफर नेशन एंड अ ब्यूटिफुल सिंफॉन ऑफ ब्रदरहुड जो डिस्कॉर्ड है जो निराशा है जो घृणा है जो भेद है उसको हम भ्रातृत्व में परिवर्तित कर देंगे विद दिस फैथ विल बी एबल टू वर्क टुगेदर इसी यकीन के साथ हम साथ काम करेंगे टू प्रे टुगेदर हम प्रार्थना साथ करेंगे टू स्ट्रगल टुगेदर हम संघर्ष साथ करेंगे टू गो टू जेल टुगेदर हम जेल भी साथ जाएंगे टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर आज़ादी के लिए हम साथ खड़े होंगे नोइंग दैट विल बी फ्री वन डे इस बात को समझते हुए इस बात को जानते हुए वह दिन ज़रूर आएगा जब हम आज़ाद होंगे दिस विल बी द डे वैन ऑल ऑफ़ गॉड्स चिल्ड्रेन विल बी एबल टू सिंग विथ ए न्यू मीनिंग और यह वो दिन होगा जब ईश्वर के सारे जितने भी संतान हैं यह बच्चों यह समझना जरूरी है कि ईश्वर के वो कौन से संतान हैं तो ही इज टॉकिंग अबाउट द चिल्ड्रेन ऑफ द यू एस वो अमेरिका के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं काले और गोरे दोनों बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं दोनों को ईश्वर का संतान कहते हैं और वो कहते हैं कि विल एबल टू सिंग विथ न्यू मीनिंग और एक नए अर्थ के साथ गुनगुनाएंगे नए अर्थ के साथ इस गीत को गाएंगे माई कंट्री दिस ऑफ दी स्वीट लैंड ऑफ़ लिबर्टी ऑफ़ दी आई सिंग लैंड फर मई फादरस डाइड मेरा देश प्यारा सा देश आज़ादी से लबरेज देश जिस देश में पूरी आज़ादी हो हर किसी को आज़ादी हो सारे बच्चे गाएंगे लैंड फर मई फादर्स डाइड वो जमी जहाँ हमारे पूर्वज हमारे पिता वो मरे लैंड ऑफ़ द पिलग्रम्स प्राइड जहाँ यात्रियों के लिए गौरव की बात हो फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग और पहाड़ के पहाड़ी पहाड़ी पहाड़ों के तमाम हिस्सों से पहाड़ हिस्सों से पहाड़ के सभी जगहों से हर जगह से जब ये बात गूंजेगी जब आज़ादी गूंजेगी, तो इस प्रकार का देश इस प्रकार का सपना मार्टिन लूथर किंग का है और वो देखना चाह रहे हैं ये उनका सपना है वो चाहते हैं कि अमेरिका हो तो ऐसा हो एंड इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन दिस मस्ट कम टू और अमेरिका एक महान देश अगर बनना चाहता है तो यह अवश्य ही हो यह समझना जरूरी है बच्चों कि यह अवश्य ही हो या यह बात बिल्कुल सच हो कौन सी बात सच हो जहाँ भेद नहीं हो लोगों के बीच भेद नहीं हो भेद की जगह भाईचारा हो असमानता की जगह समानता हो अन्याय की जगह न्याय हो प्राधीनता की जगह स्वाधीनता यह उस समाज की बात कर रहे हैं सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हेम्पशायर हेम्पशायर के बेहतरीन पहाड़ियों से आज़ादी की गूंज आने दो आज़ादी की गूंज या आज़ादी को गूंजने दो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क की शक्तिशाली पहाड़ों से आज़ादी की गूंज आने दो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग एलेगनीज ऑफ़ पेंसिलवेनिया पेंसिल्वेनिया से पेंसिल्वेनिया से उसकी ऊँचाइयों से आज़ादी की गूंज आने दो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्टन रॉकीज ऑफ कोलोराडो कोलोराडो के या हिमाच्छादित बर्फ से ढके हुए पहाड़ियों से कोलोराडो की पहाड़ियों से आज़ादी की गूंज को आने दो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द करवे पिक्स ऑफ कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया की चोटियों से आज़ादी की गूंज आने दो बट नॉट ओनली दैट सिर्फ इतना ही नहीं लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया जॉर्जिया की पहाड़ियों से भी आज़ादी की गूंज को आने दो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लुकआउट माउंटेन ऑफ टेनेसे टेनेस की पहाड़ियों से भी आज़ादी की गूंज आने दो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड एवरी मोल हिल ऑफ मिसिसिपी हर छोटी बड़ी पहाड़ियों से मिसिसिपी की पहाड़ियों से आज़ादी की गूंज आने दो फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड हर पहाड़ से लेट फ्रीडम रिंग आज़ादी की गूंज आने दो वेन वी लेट फ्रीडम रिंग जब हम आज़ादी को इस तरह से गूँजने दें, जब आज़ादी की गूंज अमेरिका के हर शहरों से हर नगरों से हर पहाड़ियों से हर नदियों से हर घाटियों से जब आएगी ये गूंज वन वी लेट इट रिंग फ्रॉम एवरी विलेज तो हम इसे हर गांव से भी इसकी गूंज आएगी एवरी हेमलेट छोटी छोटी बस्तियों से आएगी From every state and every city, her Raj, her we will be able to uh, speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual free at last, free at last, thank God Almighty, we are free at last. So, he is that we will be able to speed up that day. हम उस दिन के बिल्कुल करीब होंगे वेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन जहाँ ईश्वर के सारे संतान चाहे वो ब्लैक हों या श्वेत हों जीवज हों या जेंटाइल्स हों जेंटाइल्स जो जे टर्म दिए चिल्ड्रन जेंटाइल्स एक शब्द है जिसका मतलब होता है जो जीवज नहीं होते हैं जो जीव नहीं है प्रोटेस्टेंट्स हों कैथोलिक्स हों ये दोनों क्रिश्चन के दो हिस्से हैं विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स ये सारे लोग चाहे व्हाइट मैन हो ब्लैक मैन हो ज्यूज हो जेंटाइल्स हो प्रोटेस्टेंट्स हो कैथोलिक्स हों ये सब के सब एक साथ हाथ मिलाएंगे और गाएंगे एंड सिंग इन द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड निग्रो स्परिचुअल और निग्रो की जो आध्यात्मिकता है उसको गाएंगे और वो गाएंगे क्या फ्री एट लास्ट आखिरकार हम आज़ाद हो गए फ्री एट लास्ट आखिरकार हम आज़ाद हो गए थैंक ऑड ऑल माइ ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे वी आर फ्री एट लास्ट आखिरकार So, so dear children <coughs> this is how in fact martin luther king ends his speech free at last free at last this is hope this was his hope this was his dream so we have already seen from the very beginning you know, that in the entire speech martin luther king he never deviates o विषयांतर नहीं होते हैं ऑल द फ्रेजेज नो ऑल द ईडियम्स ऑल द आइडियाज ऑल द ओपिनियंस ऑल द एक्सप्रेशंस दे आर वेरी मच रिलेटेड विद द कोर ऑफ द स्पीच एंड व्हाट इज द कोर ऑफ दैट स्पीच द कोर ऑफ द स्पीच इज आई हैव अ ड्रीम एंड दिस ड्रीम इनकैप्सुलेट्स नो इनकैप्सुलेट्स

ये पता चलेगा कि पूरे स्पीच में मार्टिन लूथर किंग कहीं भी डेविएट नहीं होते विषयांतर नहीं होते हैं, हैं। जिन जो जिस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं जो भी आइडियाज़ का इस्तेमाल करते हैं जो भी ओपिनियंस का इस्तेमाल करते हैं जो भी एक्सप्रेशंस है वो सारे के सारे बिल्कुल जो कोर है स्पीच का जो केंद्र है स्पीच का उससे जुड़ा हुआ है और जो केंद्र है वह है आई हैव ए ड्रीम मेरा एक सपना है और वो सपना क्या है द इंटायर ड्रीम इज़ फॉर लिबर्टी Is for freedom, is for justice, is for equality, is for righteousness, is for brotherhood. So, this was the dream of Martin Luther King. And I hope, dear children, you must have enjoyed this lesson. It is really a unique lesson. And at the same time, I also appeal to all of you to read this lesson again and again. We shall meet again in the next class with some more interesting topic. Till then. Goodbye. Established. Namaskar.